भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यकर्ता संपर्क अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह आज पूर्णिया पहुंचे, जहां एनआरसी और सीएए जैसे मुद्दों पर मीडिया से अपनी बात कही। गिरिराज सिंह ने बताया कि सीएए और एनआरसी को लेकर पूरे देश में भ्रम फैलाया जा रहा है और इस कानून के नाम पर भारत विरोध का एजेंडा चल रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि सीएए के नाम पर जो जुबान पाकिस्तान का है, वही जुबान भारत की आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की है। देखें पूरी रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं से संपर्क का ये कार्यक्रम चल रहा है। कल मैं अररिया था, अररिया से आज यहाँ आया। आज देश के अंदर एक भ्रम फैलाने का साजिश पूरे देश में चल रहा है। वो सीएए के विरोध में, जबकि लोकसभा के अंदर कानून बन चुका, राज्यसभा से पास हो चुका, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने पूरे देश को बता चुके कि ये नागरिकता देने का है, लेने का नहीं। ऐसी स्थिति में दिल्ली के शाहीन बाग के तर्ज पर हर जिले के उन क्षेत्रों में जहां आबादी अल्पसंख्यक का है, वहां ये कह रहे हैं एनआरसी अब वापस लो, एनआरसी है नहीं, सीए कानून को वापस लो। जबकि हमने कह दिया है कि ये भारतवंशियों के लिए कानून है और कांग्रेस को प्रायश्चित करने का ये कानून है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रायश्चित देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ, फिर भी 1950 में 47 से 50 तक, 46 से ही कह लें, जो पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हुआ, उसके बाद एक समझौता भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और लियाकत अली खां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में हुआ कि अगर भारत में अल्पसंख्यकों के ऊपर कोई धार्मिक उत्पीड़न होता है तो भारत की सरकार का दायित्व बनता है, और पाकिस्तान में होता है गैर मुसलमानों पर तो वो पाकिस्तान की सरकार। लेकिन दुर्भाग्य रहा, उत्पीड़न होता रहा, कानून बनने के बाद भी जबकि सदन के अंदर नेहरू जी ने भी स्वीकारा, नेहरू से लेकर के हर सरकार ने इस चीज को स्वीकारा, गांधी जी ने भी उस समय ये इन बातों को रखा था, लोहिया जी ने भी कहा था, कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धारमैया ने भी कहा था, और इंदिरा जी के विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने भी सदन के अंदर जवाब, यहां उत्पीड़न हो रहा है।
5 लाख आबादी दलितों का जो पाकिस्तान, ऐसे तमाम लोग अफगानिस्तान से लाखों सिख आए थे, हिंदू आए थे, ईसाई आए थे, वो उत्पीड़न के कारण आए थे। सभी सरकारों ने दरकिनार करते रहा, मोदी जी ने इस काम को किया जो काम कांग्रेस छोड़ दी थी। ये भ्रम, गलत भ्रम भी फैलाया जा रहा है मुसलमानों के बीच। कहीं कहा जा रहा है कि ये निकाल दिया जाएगा। अब तक कोई मुसलमान बताए जो यहां से निकाले गए, क्योंकि निकालने का कानून है ही नहीं। ये जानबूझ करके ये सीएए के नाम पर भारत विरोध का एजेंडा चल रहा है, और सीएए पर जो जुबान पाकिस्तान का, वही जुबान भारत में कांग्रेस और आरजेडी कम्युनिस्ट तमाम लोग। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब शाहीन बाग दिल्ली का शर्जिल इमाम कहता हो कि हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, भारत का चिकन नेक आसाम को काट देंगे, ये लोकतांत्रिक नहीं बल्कि ये खिलाफत आंदोलन हो जाता है, जो देश को तोड़ने की बात करता है, जो देश को, जो लोकतांत्रिक देश है उस देश को धार्मिक इस्लामिक देश बनाने की। कोई कहता उसी मंच से, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का छात्र, कि जो हमारे कौम से टकराएगा वो बर्बाद हो गया है दुनिया में, यहां भी बर्बाद हो जाएगा। हद तो तब हो जाती है जब हैदराबाद से आवाज उठता हो ये नहीं वापस लिया गया, तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हैदराबाद से आवाज उठता हो कि अगर 15 मिनट खत्म कर दिया जाए, छूट दे दी जाए, पुलिस को हटा दी जाए, तो मैं यहां के हिंदुओं को दिखा दू भारत तेरे टुकड़े टुकड़े के नारे लगे हैं। आज देश को राष्ट्र के प्रति समर्पित होने का समय आ गया है। 1947 के पहले हमारे पूर्वज देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और जिन्ना भारत को इस्लामिक स्टेट की योजना बना रहा है। ये बहुत बड़ी हमारे पूर्वजों से भूल हुई जिसका खामियाजा हम यहाँ भुगत रहे हैं। अगर उस समय मुसलमान भाइयों को वहां भेज दिया गया होता और हिंदू को यहां, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। हमारे अंदर
अगर भारतवंशियों को भारत में जगह नहीं मिलेगा तो दुनिया का कौन देश है जो उसे शरण देगा। इसलिए आज कार्यकर्ताओं के बीच, कल मीटिंग में कार्यकर्ताओं का काम है ना इस भ्रम को दूर करना, लेकिन सोए हुए को जगाया जाता है, जगे को नहीं हम जगा सकते। जिन लोगों ने ये जानबूझ करके भ्रम फैला रहे हैं गरीब मुसलमानों में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के तर्ज पर है, दिल्ली के साइन बाग में बैठे लोग वोटर आईडी कार्ड दिखा करके ही वोट दिया, वहां नहीं कहा कि हम सबूत नहीं दिखाएंगे। वोट देने के लिए जाते हो तो सबूत दिखाएंगे, एनपीआर का विरोध करेंगे। 125 करोड़ जिस देश में आधार कार्ड बना हो, जितने चीज एनपीआर में मांगा गया है उतने ही तो आधार कार्ड में है, फिर एनपीआर का विरोध क्यों? ये खास सोची समझी रणनीति के तहत ये भारत मैं लोकतांत्रिक आंदोलन नहीं बल्कि खिलाफत आंदोलन है, देश को तोड़। क्योंकि सीमांचल घुसपैठियों का निश्चित रूप से सबसे ज्यादा हुआ। अगर है विपक्ष में ताकत खुल के कहे, जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को क्यों नहीं, क्यों रखा गया, भाई पाकिस्तान के अंदर धार्मिक उत्पीड़न मुसलमान पर होगा क्या? भारत में बहुसंख्यक पर होगा क्या उत्पीड़न? तो उनमें हिम्मत है तो वो खुल करके कहें, जो पाकिस्तान के घुसपैठी आए हैं उनको भी नागरिकता दे, रोहिंग्या को भी दे, बांग्लादेशी को दे, वो खुल के कहे। लोकतंत्र है, कोई भी आ सकते हैं, लेकिन पूर्णिया के लोग भारत को तोड़ने वाले साजिश को खंडित करें।